क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन बाकी रह गया था हमारा, क्या पढ़ के आ रहे थे वैसे हम लोग? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पढ़ रहे। और क्वेश्चन नंबर 54, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है एक्स और वाई, पैसा कितना लग रहा है एक्स में 1,20,000, वाई में 1,20,000, और कैश फ्लो 8 साल तक आएगा, 26,000 भी आ सकता, 28,000 भी आ सकता, 36,000 भी आ सकता, या वाई में इतना आ सकता हर साल, और कट ऑफ रेट कितना है 14%, कट ऑफ रेट मतलब डिस्काउंटिंग रेट, और उसका फैक्टर दे रखा है, और बताना है आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो आप एनपीवी निकाल लीजिए, सिंपल एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालोगे जरा बताओ, दोनों का एनपीवी निकाल लीजिए सिंपल। देखो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, बताइए हर साल का कैश फ्लो कितना है, और ज्यादा चांसेस है, हाँ तो प्रोबेबिलिटी कहाँ है, आप मुझे बताते जाओ कैसे करना, मैं वैसे करूंगा, आप कैसे करते मुझे बस इतना बता। आप पहले 26,000 लिख के एनपीवी निकालते है ना यार, सीएफएटी है ना ही, फिर 28,000 लेकर निकलते और फिर 36,000 लेके निकलते, तीन एनपीवी निकलती, उसके बाद क्या करते प्रोजेक्ट एक्स की तीन एनपीवी निकल जाती, उसके बाद क्या करते, वो तो दिक्कत है, प्रोबेबिलिटी नहीं दिया। भाई आपने इसको फैक्टर से इंटू किया 8 साल के एनपीवी निकालना, इसका भी एनपीवी निकालना, इसका भी एनपीवी निकालना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एवरेज के, हमको एवरेज ही करना पड़ेगा। ठीक है करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट एक्स की। आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना कि मैं लिखूंगा फिर आप देखकर लिखोगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं चलेगा। हिम्मत ही नहीं होती यार, क्या कर ले, तो करना तो पड़ेगा। तो मैं तो टेबल बना ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिंपल कर रहा हूँ, मैं तो टेबल के चक्कर में पड़ ही नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा पीवीसीआई माइनस पीवीसी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस कितना है 26,000 प्लस 28,000 प्लस 36,000 डिवाइडेड बाय 3
बोला एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आ गया, थर्टी थाउजेंड। अब एनपीवी निकाल लेते हैं, पीवीसीआई माइनस पीवीसी हर साल कितना आएगा ऑन एन एवरेज 30,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने साल तक का करना है हमको, 8 साल। कुछ बच्चे 9 भी उड़ा देते हैं, तो 8 तक ही करना है ना। फोर पॉइंट 639, इसमें से माइनस कितना कर देंगे यार, 1,30,000। तो एक्सपेक्टेड एनपीवी आ गए 19170। ये आ गया प्रोजेक्ट एक्स का, यही बोल रहे थे ना आप। यही बोल रहे थे क्या? नहीं, पूर्वी कुछ मुझे स्टोरी बता रही थी कि क्या क्या करना है, मतलब क्या टेबल करना है कैसे। एक्चुअल में आप क्या बोल रहे थे, सुनो सुनो सुनो, एक्चुअल में आप बोल रहे थे सर पहले 26,000 लेके एनपीवी निकालते हैं, और फिर 28,000 लेकर एनपीवी निकालते हैं, और फिर 36,000 लेकर एनपीवी निकालते, और उसके बाद क्या बोल रहे थे, सुनो 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 मेरे काम की बात सुनो। अगर हम आप जो बोल रहे वैसा कर लेते, एक एनपी भी निकलते, दो एनपी भी निकलते, तीन एनपी, और उसका एवरेज करते, तो क्या यही आंसर आएगा? कैलकुलेटर यार, जो करना है कर लेते हैं। 26,000 × 4.639 माइनस 120,000, बताओ पहला एनपीवी कितना, 614। अच्छा दूसरा 28,000 × 4.639 माइनस 120,000, 9, 9, 8, 9, 2। 36,000 × 4.639 माइनस 120,000, 47। और अब इसका एवरेज करो, तीन एनपी भी निकल गई, यही आएगा यार सिंपल मैथ्स। तो आप मुझसे ऐसा करवा रहे थे पर मैं रुक गया, मैंने कहा मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। ये किसका हो गया, प्रोजेक्ट एक्स। अब तो वाई का तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, मैं बोलूंगा भी रुको तो आप नहीं रुकोगे। टू टू सिक्स ट्रिपल टू है क्या? किसका एनपीवी ज्यादा है, वाई का, तो प्रोजेक्ट वाई शुड बी एक्स। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में एक तो पढ़ना था प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, और एक था उसके बाद, बताओगे क्या नाम था उसका, तो सेकंड लिखोगे इसके अंदर।
रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। आर ए डी आर बोला जाता, ठीक है। कॉन्सेप्ट है ना, पिछले बैच में ना बच्चे चिप्स खाते थे तो आवाज आती थी। अब ध्यान से समझना बेटे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, पैसे, और इस पैसे को मैं प्रोजेक्ट में लगाना चाहता हूं, और मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से रिटर्न आपको दूंगा। सर आप क्या, कौन से प्रोजेक्ट में? मैंने कहा यार मैं जो क्लासेस है ना, हमारी जो क्लासेस चल रही इसको और एक्सपांड करना चाहता हूँ, जगह जगह ब्रांच, ऑनलाइन में थोड़ा आना चाहते हैं हम, सीए इंटर में। मैं कहता हूँ जो कमाऊंगा आपको परसेंटेज में मिलेगा, और ऑन एन एवरेज मैंने कहा आप कितना परसेंटेज चाहते हो? वैसे तो फिक्स डिपॉजिट पे 6.5% ब्याज मिल रहा, आप कितना चाहते हो? आपने कहा सर ठीक है ना 10% दे देना, 10% की कमाई बहुत होती, क्या पैसा लगा सकते हो? यस। कितने परसेंट की कमाई? 10%। आप कहते हो सर हमारी जो डिमांड है, हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना परसेंट है? 10%। और नो डाउट आप अभी कोचिंग का बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है उसमें सक्सेस मिल जाए, आपका पैसा डूबेगा नहीं। फिर मैं आपके पास गया, मैंने कहा सुनो 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 ना, प्रोजेक्ट में लगाना तो चाहता हूं लेकिन अब प्रोजेक्ट कुछ और है। अब सुनना, अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूं, मैंने कहा कि यार मैं ना कुछ ऐसी दवाई बनाना चाहता हूं, बच्चे क्या पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो ऐसी दवाई बनाना चाहता हूं कि एक बार खाओ और याद रहेगा हमेशा के लिए। क्या लगाओगे पैसा? नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, कोशिश कर सक रहा है ना यार। हाँ तो लगाओगे कि नहीं लगाएंगे? कोचिंग में लगा सकते हैं कि हाँ, पर इस बिजनेस में लगाओगे कि नहीं लगाओगे? क्यों? रिस्क ज्यादा, लालच ही देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन? चलो 15 लेना, अरे 20 ले लो भाई, लालच में कहीं ना कहीं तो फंसोगे भाई, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिटर्न। तो सवाल बस इतना है, अगर ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट अलग अलग है तो डिस्काउंटिंग रेट भी क्या होना चाहिए? अलग अलग। और अभी तक हमारे पास दो प्रोजेक्ट होते तो एक 10% दिया रहता था, उसी से एनपी भी निकाल लेते थे। या ऐसा नहीं चलेगा, जिसमें रिस्क ज्यादा है उसमें डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा, जिसमें रिस्क कम उसमें डिस्काउंटिंग रेट कम, बस। और जो डिस्काउंटिंग रेट यूज करोगे उसका नाम क्या रहेगा? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग, बस और कुछ नहीं। लिखोगे फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड, फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू कैलकुलेट एनपीवी इन आरएडीआर अप्रोच। कैलकुलेट आरएडीआर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। और RADR का फॉर्मूला RF प्लस रिस्क प्रीमियम टू रिस्क इंडेक्स न
नहीं तो मैंने बोला भी नहीं बोला कैलकुलेट एनपीवी टेकिंग आर ए डी आर एज अ डिस्काउंटिंग रेट कैलकुलेट एनपीवी टेकिंग आर ए डी आर एज अ डिस्काउंटिंग रेट ठीक है एक बार समझ ले क्या चीज है. कभी आपने सीएपीएम नाम सुना सीएपीएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अकाउंटिंग आपने तो पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी काम आएगा अकाउंटिंग में है शायद नहीं है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चलो कोई बात नहीं नहीं भी पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा तो यहां मैं पढ़ाऊंगा तो याद आ जाएगा. ये कौन है राम ये क्या है बैंक हद हो गई यार बहुत ही ज्यादा दिक्कत है बिल्कुल रिवीजन नहीं करते हो ना और यहाँ बहुत सारी कंपनी है और जहां बहुत सारी कंपनी हम उसको क्या बोल रहे हैं मार्केट ठीक और राम के पास बहुत सारा पैसा है 1,00,000 रुपए हाँ अभी वो जो अडान छोड़ो यार तो राम मैं बहुत ज्यादा मार्केट के विषय में बात नहीं कर रहा अब सुनोगे ध्यान से. अब राम सोच रहा है यार ये मार्केट में इधर तूफान आता है रिस्क वगैरह है बहुत ज्यादा तो कहाँ पैसा जमा करना चाहिए बैंक और राम जा रहा है बैंक में पैसा जमा करने और बैंक वाला जो बता रहा है वो रेट बता रहा है 6% फिर भी राम बोलता कंफर्म कर लेता. राम बोल रहा है कि सुनो बैंक मैनेजर अगर मैं 1,00,000 रुपया जमा करूंगा तो पक्का 6% मिलेगा ना. बोले हाँ भाई नहीं अगर मार्केट डाउन हो गया अगले दिन तो भी क्या 6% मिलेगा फिक्स डिपॉजिट है. हाँ क्या मार्केट में डेली फ्लक्चुएशन होता है हाँ तो क्या बैंक में भी डेली चेंज होता है नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता रिस्क है कि नहीं नहीं इधर इधर किस बात का रिस्क बैंकिंग कंपनी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उसमें कवर भी पढ़ा होगा और छोड़ो मैं मान के चल रहा हूँ नो डिफॉल्ट रिस्क नो डिफॉल्ट रिस्क नहीं है उसके अलावा कोई रिस्क है कि नहीं नहीं है 6% पक्का मिलेगा हाँ 6% तो मिलेगा डिफॉल्ट नहीं कर रहे तो 6% तो मिलेगा इसको बोलेंगे रिस्क है कि नहीं नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे रिस्क फ्री रेट आर एफ हाँ नहीं पक्का पक्का ये मान के चलो कि आपको पैसा मिलेगा डिफॉल्ट रिस्क है ही नहीं ना केवल. तो राम चला पैसे जमा करने कितना परसेंट मिलने वाला है जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आवाज आई कहां से आवाज आ रही है मार्केट से बोले कहां जा रहे हो भाई बोले मैं बैंक जा रहा हूं बोले हमारे यहां हम देते हैं ना 6% क्या करें इधर इधर रिस्क है कि नहीं है इधर है बोल तो छोड़ो जी फिर आगे चला फिर आवाज आई बोले 8 अभी भी नहीं चलो फिर आगे बढ़ा बोले चलो 10 पे आ जाओ और अब तो राम बोलता बहुत हो गई हमने सुना है 10 मिल रहा है ना यार एक्स्ट्रा मिल रहा है एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है यार 4 का नाम मालूम है क्या रिस्क प्रीमियम रिस्क प्रीमियम 4% ठीक. अब राम जा रहा था उसका दोस्त मिला और बोल रहा भाई क्यों जा रहे हो मार्केट पे रिस्क है तो बोले एक्स्ट्रा मिल भी तो रहा प्रीमियम के रूप में कितना परसेंट मिल रहा है 4
पहुंचा यहाँ, बोले कौन आवाज लगा रहा था? अडानी पावर्स। ओहो, नहीं डूब भी सकता है। बोले भाई आप में तो बड़ा सारा रिस्क है, इट में सेंसेक समझते हो, मान लो समझते हो, ठीक है, नहीं भी समझते मैं मान लिया। एक्चुअल में क्या हो रहा है, सेंसेक्स जब हिलता है ना तो अडानी बहुत ज्यादा हिलता है। अगर सेंसेक्स, हे भगवान, अगर अगर सेंसेक्स, सुनो 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 सुनो, कॉन्सेप्ट है भाई, काम आएगा आपके। सेंसेक्स 10% से डाउन हो रहा है ना, तो अडानी 20% से डाउन हो रहा है, मतलब कितना, डबल। सेंसेक्स 10% से उठ रहा है तो अडानी पावर भी 10 से नहीं 20 से, मतलब सेंसेक्स में 10% का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो अडानी में 20%, मतलब डबल। डबल को 2 बोल सकता हूं ना, और 2 को क्या बोलते हैं, बीटा। इसको बोलते हैं बीटा, बीटा। किसी कंपनी का बीटा 3 है, इसका मतलब मार्केट से 3 गुना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो बीटा ज्यादा मतलब रिस्क ज्यादा, ठीक। और हालांकि हमें कैपिटल बस्टिंग में इसको रिस्क इंडेक्स बोलेंगे, रिस्क इंडेक्स, बीटा ना बोल के रिस्क इंडेक्स चलता। तो अडानी पावर बोलता आओ हम देते 10, बोले आपकी बात छोड़ो, आपके यहां तो यार रिस्क प्रीमियम में सोचा, मार्केट आवाज लगा रहा है, अडानी पावर है तो भाई आपके यहां तो डबल रिस्क है, तो मुझे रिटर्न भी डबल चाहिए, मतलब मुझे रिस्क प्रीमियम का 4% नहीं चाहिए, कितना, 8, इट मीन्स मुझे 6 तो चाहिए चाहिए, प्लस 4 × 2, 2, 6 क्या है RF, 4 क्या है रिस्क प्रीमियम इंटू रिस्क इंडेक्स, और ये जो निकला आंसर कितना आ रहा है, 14%। 14% का नाम बोलो, चाहिए 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 को क्या बोलते हैं, इतना तो चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसी को तो डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं, ठीक है, वापस आते हैं। तो ये मैंने डिस्काउंटिंग रेट ऐसे नहीं, हालांकि मैंने कहा ना इस इक्वेशन का नाम मालूम है क्या है, इसको पढ़ने में, इस इक्वेशन को समझने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये इक्वेशन ये दिख रहा है ना, ये जो हमने पढ़ा है, ये वाली इक्वेशन को समझने में क्या लगता है कितना टाइम लगता होगा, कम से कम 40 घंटे में यही पढ़ाता इस इक्वेशन के मैटर पे फाइनल में, ठीक है। तो अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, इतना समझ में आ गया तो ऐसा लगता पूरा आ गया समझ में, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, वहां पढ़ेंगे अब, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, एक आध एग्जाम्पल करते और एग्जाम्पल से डिस्कशन करते, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं सीधा क्वेश्चन, कहां एग्जाम्पल, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा, न्यू प्रोजेक्ट इज, न्यू प्रोजेक्ट बोले 3 प्रोजेक्ट है भाई, P1 P2 और P3, इसमें कितना पैसा लग रहा है, 15 लाख, इसमें 11 लाख, इसमें 19 लाख, और ये इनफ्लो दिया कैश इनफ्लो 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख, और ये दिया है रिस्क इंडेक्स, मतलब वही फ्लक्चुएशन, यहाँ कितना है 1.80 और यहाँ 1 और यहाँ 0.60, बता सकते हो रिस्क किस में ज्यादा है, P1, तो यहाँ मुझे डिस्काउंटिंग रेट क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%, इट मींस आपने जब पैसा लगाया होगा तो आपको कम से कम कितना चाहिए, 15, पर रिस्क ज्यादा तो वो रिस्क प्रीमियम का भी एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। और टैक्स का रेट दिया है क्या, नहीं दिया है, काट दो, मिस प्रिंट है, गलती से प्रिंट कर दी, काट दीजिए, दिया है बोल रहे थे अभी, नहीं दिया है, ठीक, कट करो टैक्स का, और रिस्क फ्री रेट कितना है भाई, रिस्क फ्री रेट कितना है, 10%, टैक्स को हटा दिया, रिस्क फ्री रेट कितना है, 10%, तो
सुनना ध्यान से, आप काम की चीज है, आपको चाहिए कितना पैसे लोगों को, आप ये नहीं देख रहे हो कि अभी कौन से प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, आपने मुझे देखकर पैसा दिया तो 15%, पर यार अगर रिस्क है तो आपको एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम का भी तो चाहिए। रिस्क प्रीमियम कितना निकाल सकते हो बता सकते हो? 15 - 10, एक्स्ट्रा जो रिस्क प्रीमियम का है वो तो 5% है ना यार। आप कहीं बैंक जाते तो 10% पे, मेरे पास 15 पे, तो 5%। अब देखना ये पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है। अगर मैं इसमें पैसा लगाता हूं तो बताओ आपका डिस्काउंटिंग रेट क्या आना चाहिए, डिफरेंस? हाँ, 5% रिस्क प्रीमियम, 5 × 1.8 + 10। ठीक, पहले नंबर पे क्या मांग रहा है? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। ऑलरेडी RF प्लस रिस्क प्रीमियम इनटू रिस्क इंडेक्स। ये मैं फिर पढ़ाने वाला हूं, ये कहां पढ़ाऊंगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फिर से। तो सर सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट वन की। प्रोजेक्ट वन RF कितना है यहाँ? 10% प्लस रिस्क प्रीमियम आपने कितना निकाला था? 15 - 10, और यहां रिस्क कितना है? 1.80। कितना? 19। तो पहले प्रोजेक्ट को हम 19% से डिस्काउंटिंग करेंगे। इसमें तो रिस्क हमारे बराबर ही है, तो 15% ही आएगा। तीसरा इसका रिस्क इंडेक्स है 0.6, तो कितना आ गया? 13%। एनपीवी निकालना है, ये CFAT दिया है 6 लाख। डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करना है? 19% से माइनस करना है 15 लाख। NPV निकालना, ऐसे इसका NPV निकालना, ऐसे इसका NPV। हाँ, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, लिखना पड़ेगा। ठीक, तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ NPV। हाँ, एक एक लाइन में ही करना है, हम टेबल वेबल नहीं बना रहे। टेबल कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, जब एग्जाम में बाकी क्वेश्चन कुछ तो बन नहीं रहा है, उसी में टाइम पास करें। देखो बड़ा क्वेश्चन आएगा ना रिप्लेसमेंट का, तो उसमें टेबल से अच्छे से हो जाता है, तो वो ठीक है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन अब मुझे नहीं मालूम कि इसने 3 डिजिट से आंसर निकाला है कि 4, हमको किससे करना है? चलो 4, आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो प्रोजेक्ट वन का NPV निकाल रहा हूं, हर साल का एक बराबर है, तो सीधा 6 लाख PVAF ले लेते हैं। इसको डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करना है? यहां ब्रैकेट में 19% लिख दिया, ब्रैकेट में 19% लिख दिया। 2.638 - 15 लाख NPV बोलो।
83,400 इसमें है, हमारा शायद आंसर अलग है। 83,160 ये फैक्टर की वजह से होगा, बाकी टेंशन। ऐसी बात किसकी करेंगे, प्रोजेक्ट टू। यहाँ डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना हमको, 15%। ओहो यहाँ तो अलग अलग है, पहले साल का कितना 6,00,000 इंटू प्लस 4,00,000 इंटू प्लस 5,00,000 इंटू प्लस 2,00,000 इंटू माइनस 11,00,000 1/1.15 0.86 95 0.6 0.7 5 6 1 0.6 5 7 5 0.57 1 7 माइनस 11,00,000 आंसर। हाँ यहाँ जगह नहीं थी ना यार, मैं सोचा आप लिख लोगे कैलकुलेटर यूज करके। 167,800 167 29 167 290 फैक्टर की वजह से आ रहा है, आप 3 डिजिट लोगे तो ये आंसर आ जाएगा और आपको क्वेश्चन के साथ फैक्टर दिया रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं। प्रोजेक्ट थ्री को डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करना है, 13%। सीधा एनपीवी बता सकते हो, हाँ जी टू वन फोर हाँ वही तो यार मैं खुद कन्फ्यूज हो गया था। टू वन थ्री टू वन फोर 300 चार डिजिट या चार
कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया हूँ, बाकी फैक्टर एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन, तो उसके साथ साथ हो जाए। नहीं आप नहीं लिख सकते, आपको अलाउ नहीं है, सिर्फ मैं सीए बन चुका हूँ, आपको बनना है। तो कौन सा प्रोजेक्ट करना है जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा है? एक दो ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन आप करो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, एग्जाम में आता है कि नहीं आता है जी? नहीं कुछ इस तरह से दिया रहेगा आपको, तो टेंशन वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 एग्जाम में आया हुआ है, कब आया था? जुलाई 2021। अभी अभी की जुलाई में एग्जाम होते हैं क्या? ये कोविड वाला पीरियड रहा। तैयार हो? बना रहे। केपी लिमिटेड कितना पैसा लगा रहे हैं भाई? 50 लाख, और प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है? 4 साल। रिस्क फ्री रेट दिया है 6%, रिस्क प्रीमियम दिया है 6%, रिस्क इंडेक्स दिया नहीं है। ठीक है, रिस्क इंडेक्स नहीं दिया तो 1 मान के ही चलना बेटा, रिस्क इंडेक्स नहीं दिया तो हम मानेंगे बराबर का पर, मतलब 6 और 6 12% हो जाएगा सीधी सी। सेल्स फर्स्ट ईयर का सेकंड, सेल्स दिया है, सीएफटी नहीं दिया है ना, सेल्स दिया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पीवी रेशियो दे रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दिया है, तो ये जो फिक्स कॉस्ट है इसमें से पहले क्या हटाएंगे? कुछ नहीं। हाँ फिक्स कॉस्ट इग्नोरिंग, ओहो इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स बोला इग्नोर करने के लिए, तो डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है ना यार। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी, और यूज क्या करना है आपको? आरएडीआर, मतलब डिस्काउंटिंग किससे करना है? RADR से, मतलब RADR कितना परसेंट आएगा क्या लगता है? 12 और 6 12। अब उसको मालूम है कि बच्चे को क्या फैक्टर से मतलब होता, नीचे दिया रहता तो मल्टीप्लाई कर दे, तो इस बार दो दो दिया, बोले देखते हम गलती करवाते। ठीक है, तो अब हम क्या निकाले? सबसे पहले CFAT, तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ NPV, मतलब आपको क्या एक्सपेक्टेशन था कि कितने का आएगा? ही कितने का, या तो 5 का या तो 10 का, अभी तक जो पैटर्न। ठीक, एनपी भी निकाले। देखो मैं क्या करूंगा, मेरे पास नहीं है जितना नंबर उतनी बात, यहाँ से एफ डी निकलेगा इंटू पीवीएफ, यहीं जुगाड़ लगाएंगे, यहीं पीवीसीआई माइनस पीवी। ठीक, तो सबसे पहले किया जाएगा सेल्स। आप लोग ना टेबल ही बना के देने को देखते, जब भी दिल करता टेबल ही बनाते, टेबल नहीं बनाना, सेल्स लिखते सबसे पहले। कितना है? 50 लाख, जीरो लगाना है कि नहीं लगाना? मतलब रुपीज इन लैक्स में करेगा, रुपीज इन लैक्स में ना यार, आंसर भी तो वैसे ही दे रखा है, रुपीज इन लैक्स। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन लिख दूं।
कंट्रीब्यूशन कितना 50%, तो 25 लाख, 30 लाख, 35, 40 माइनस क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट कितना कितना, 10, 12, 14 और 16 ये जो आ गया CFAT, इसमें से मत घटा देना, पता लगा खेल ही खत्म कर दिया ना नहीं जल्दबाजी में हो जाता कुछ भी, 25 - 10 = 15, 21 and 24 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो कि आपको कितना परसेंट लेना है, 12%। बताओ ये कोई क्वेश्चन था क्या यार, एट नाइन थ्री सेवन नाइन सेवन सेवन वन टू सिक्स थ्री सिक्स, तो ये आ गया हमारा PVCI। नहीं हमें अलग अलग नहीं करना, उतना टाइम नहीं है आपके पास, एम प्लस में डालते जाइए आंसर बताना। माइनस क्या कर दोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या PVCO कितना 50 लाख, NPV आ गया 7.95। बस इतना ही बोला था खत्म। एक क्वेश्चन कर रहे थे ना हम फर्दर प्रोसेस वाला, वो दिख कितना बढ़ा रहा था, हो गया था कैलकुलेटर में ही। हो गया है एक क्वेश्चन, मैं होमवर्क दूंगा एक बार देख लो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। रिस्क फ्री यहाँ कुछ लिखा है, दिखा आपको पांच, यहाँ 5% है एक्चुअली, बोल प्रिंट नहीं हुआ, 7 नीचे वाला है मैम, ऊपर वाला है 5। तो डिस्काउंटिंग कितने परसेंट होगा, 5 और 7 = 12%, क्योंकि रिस्क इंडेक्स कुछ दिया नहीं। और पैसा कितना लग रहा है, 100 लाख, पैसा 5 साल में आ रहा है इतना, और NPV निकालना है, RADR को यूज कर, हद होकर नहीं कर दिया, बोले आप NPV निकालो एक बार, अब बोले आप एक काम करना रिस्क फ्री रेट यूज कर लेना और एक बार रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट यूज करना। बेवकूफी ये क्वेश्चन, बोले एक बार डिस्काउंटिंग जब करोगे तो कितने परसेंट से, 5%, और एक बार डिस्काउंटिंग किससे करना, टाइम पास क्वेश्चन है, MTP में आया था 5 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2022 कर लोगे ये मुझे बोलिए होमवर्क। ये है RADR का क्वेश्चन नंबर 63, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाए। Following information have been retrieved from the finance department, दे रखा है कितना प्रोजेक्ट है, एक्स है, वाई है और जेड है, कितना पैसा लग रहा है, 42 lakhs 24, और लाइफ कितनी है, 5 साल 5 साल 5 साल, और हर साल आएगा ये भी बता दिया है, 14 लाख 8 लाख 40 है और 6।
ये शब्द दिया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कभी नाम सुना? सीवी मतलब क्या होता है? सीवी मतलब रिस्क, रिस्क। तो बताओ कौन सा ज्यादा रिस्की है, पहला वाला? तो इसमें डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा, इसमें कम, इसमें ज्यादा, पर कितना ये नहीं बताया। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कंसिडरिंग दैट कंपनी सेलेक्ट आरएडीआर, और किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट। बोले आप ढूंढो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, टू है तो टू ढूंढो कहाँ है ये, तो डिस्काउंटिंग रेट किस नाम है 20, और उसका फैक्टर। तो अगर सीधी भाषा में बोलूं 14 लाख इंटू 2.990 42 बस। होमवर्क पर एक क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, ये होमवर्क रहा, ठीक। 63 होमवर्क पर 64 करना है। कॉपी में रहना चाहिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन, तो फिर से पढ़ूंगी समझ में आ गए। कैलकुलेशन ऑफ एनपी, मैं समझता हूँ बाकी भी सब्जेक्ट है आप लोगों के घर में, मैं जानता हूँ टाइम नहीं निकाल पाओगे, चलो कर लो कैलकुलेशन ऑफ एनपी। मुझे इजी क्वेश्चन करवाने में मजा आता क्लास में। एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस पीवीसीएम। सबसे पहले बात किसकी करते हैं, प्रोजेक्ट ए, इसको डिस्काउंटिंग किससे करना जरा बताओगे? पॉइंट 12% ऐसा लिख दिया कर, बोलो 30,000, 12% का फैक्टर दिया है क्या यार, 3.605 माइनस क्या कर देंगे 1,00,000। आंसर 8,150। ऐसे बी का निकालते, बी के सामने सीवी कितना दिखाई दे रहा है, 0.8 है। ये कहां का पढ़ रहा है मालूम, ये सीए फाइनल का पढ़ रहा है, रिप्लेसमेंट तक सीए इंटर, इसके बाद पूरा सीए फाइनल। क्या ज्यादा ये चाहिए? मतलब नहीं, मैंने कहा था ये इसमें ज्यादा सीवी है तो इसमें डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा लेना है, तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है डिस्काउंट रेट। तो यहाँ देखेंगे यहाँ टू, नहीं, हाँ जी पॉइंट एट, मतलब इसको डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से होगा, 14 के सामने 3.433 माइनस कितना करोगे 1,00,000। आंसर आ गया 24186। सर कैसे पता है मुझे, मालूम 86 है, ठीक। सी 1.2 का मतलब 16%, -16,000 एनपीवी
बस अगर डिसीजन लेना भी है तो हम ले लेंगे ये कौन सा जिसमें एनपीवी ज्यादा है 24186 जी। ऐसे कुछ आते हो गया आजकल ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हो गए क्या? पहले के क्वेश्चन है ये सीए फाइनल पहले चलता था उस समय ये कब आया था क्वेश्चन? नवंबर भावित मुझे 60 से मतलब है ठीक है मेरे 60 नंबर में 5 नंबर मायने रखता तो नवंबर 2022 क्वेश्चन पेपर बुक के पीछे होगा आप भी जानते। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे पक्का ना? एग्जाम का क्वेश्चन है भाई कर लेना। होमवर्क क्या ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये क्वेश्चन छोड़ के आए होंगे? हाँ पढ़े ही नहीं थे बोले बाप रे क्या दे दिया पता नहीं छोड़ो तो देखा जाए तो उस बुक में कैपिटल बजटिंग से 2 क्वेश्चन थे जो इस पेपर में नवंबर 22 में एक तो ये था 5 नंबर का और कोई क्वेश्चन है देखते वो कर लिया है ना वो तो दोनों क्वेश्चन कर लिया हमने मतलब ये 3 क्वेश्चन थे क्या 10 और 10 20 और 5 25 हाँ वैसे तो कैपिटल बस्टिंग क्या कैपिटल हाँ एफएम नहीं इको भी तो है यार हम भूल जाते हैं तो क्या और सुनो जो लास्ट का है ना क्वेश्चन नंबर 2 उसमें एक अल्टर एक छोड़ सकते हो क्वेश्चन थियोरी अटेंड कर सकते हो तो आप थियोरी का हम वैसे सोचते नहीं पर लास्ट में मैं थियोरी भी कवर करवा दूंगा टेंशन नहीं करते। और क्या लोग कैपिटल वेस्टिंग छोड़ के जाते हो कि मेरी बैच में है तो फिर तो बिल्कुल जाती हो नाम मैंने किसी का नहीं लिया चलो तो कितना हो चुका है हमारा बस खत्म आरएडीआर खत्म तो क्या क्या पढ़ लिया एक तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच किया दूसरा आरएडीआर किया अब और 2 टॉपिक बचे हुए हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच और डिसीजन ट्री में तो बस पेड़ बनाना खत्म मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ आप ध्यान से समझ कॉन्सेप्ट ही है एक बार कॉन्सेप्ट हुआ तो फिर तो क्वेश्चन तो बने 3 लाख रुपए ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और सर प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा 1, 2, 3 साल और सर पैसा कितना कितना आएगा तो मेरा उम्मीद है कि पहले साल CFAT की मैं बात कर रहा हूँ CFAT 1,50,000 आएगा फिर 1,00,000 आएगा और फिर 1,25,000 आ जाएगा ये एस्टिमेटेड है कि पक्का है एस्टिमेटेड ये एस्टिमेटेड है मतलब इसमें रिस्क है कि नहीं है रिस्क है ना यार तो इसको जो डिस्काउंटिंग करते कौन से रेट से करते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग
पर कहीं ना कहीं हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि पक्का पक्का कितना है, पक्का पक्का सर कैसे हो सकता, होता है। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ये फाइनल क्लास लेता हूँ तो मुझे पता है कि आने वाली बैच में मैं टारगेट है कि 10 बच्चे आएगी, पर पक्का पक्का दो तो आएगी, मतलब थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए चलते। इट मीन्स मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये आपको रिसर्च नहीं करना है कि यार ये कैसे निकलते, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वैसे तो 150 आएगा, पर पक्का पक्का 80% तो कोई छोड़ नहीं सकता। टारगेट 150 का, पर 80% पक्का, तो बताओगे कितना आ जाएगा? 1,00,000। इसको 0.8 लिखूं कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ कितना आ गया? 1,20,000। दूसरे साल भी मैं बता सकता हूँ, दूसरे साल का अनुमान अब सोच के बता, देखना चाहता हूँ किस बात की सर्टिनिटी ज्यादा रहती होगी, करीब की कि दूर की? करीब की ज्यादा, मतलब जो अभी आने वाला एक साल बाद उसका ज्यादा श्योरिटी होता होगा कि 2 साल बाद वाले का? 1 साल बस, इतना नहीं जाना, पर फिर भी ये हमेशा दूसरे साल का कम ही रहेगा। और ये मन से लिखा 0.6, तो 1,00,000 का 0.6 कितना आ गया? 8,000। इसका बोलो 0.6 से ऊपर की कम, नीचे? 0.5 लिख दिया, दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप चिंता मत करो। 1,25,000 इंटू 0.5 कितना? कितना? 62,500। इसमें रिस्क है कि नहीं? आपका दिल बोल रहा है कि रिस्क है, पर मैं कह रहा हूं इस तरह से कैलकुलेट किया कि रिस्क हमने हटा दिया, ठीक है? मानना पड़ेगा कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद रिस्क हट गए। इसको कौन सा कैश फ्लो बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिस्क फ्री कैश फ्लो। और इसको जो डिस्काउंटिंग किया जाएगा ना, वो कौन से रेट से डिस्काउंटिंग किया जाएगा? रिस्क फ्री रेट्स। जब इसमें से रिस्क हटाया तो डिस्काउंटिंग रेट से भी रिस्क हटा देंगे, मतलब रिस्क फ्री रेट लेंगे बस, और कुछ नहीं करना, और एनपी में निकल, बिल्कुल सिंपल। सर ये दिया रहेगा क्या? क्या इसका कभी आपने, एक दो टॉपिक है ऑपरेशनल रिसर्च भी नहीं है शायद, ओआर क्यूटी, अभी तो छोड़ो, ये टॉपिक इसलिए हटाया यहाँ से, बोले हटाओ फाइनल में पढ़ो ज्यादा अच्छा, क्योंकि फाइनल में ये सब है, एसएफएम है, तो वहां सब कैलकुलेशन है, तो वहां ज्यादा अच्छे से, इसलिए वो हटा के फिर वापस फाइनल में डाल रहा ये वाले। खैर यहां तक बात समझ में आ रही, सर कुछ नहीं करना, ये दिया रहेगा, यस। और सुनो एक बात, एग्जाम में पहले साल का कितना दिया? 0.8। दूसरे साल का कितना दिया? 0.6। तीसरे साल का 0.7 दे दिया, तो लिखकर मत आ जाना गलत होकर के, दिया है तो दिया है ना, पता लगा सर ने बताए थे तुम तो लिखोगे। Following steps are applied to calculate NPV. NPV निकालना, calculate रिस्क फ्री कैश फ्लो। और रिस्क फ्री कैश फ्लो कैसे निकालेंगे? आपको दिया रहेगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, मल्टीप्लाई करेंगे CE से, सर्टिनिटी इक्विवेलेंट बोलते हैं, और जो आएगा लिख लिया है क्या, सेंटेंस चेंज कर, कैलकुलेट एनपीवी यूजिंग
रिस्क फ्री रेट एज अ डिस्काउंटिंग रेट। याद रखना कि यहां डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लेना है आपको, रिस्क फ्री। फिर भी कोई एग्जांपल नहीं, कुछ है नहीं है इसमें से, तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये दिया है, क्या करना है यार, ये दिया है इससे मल्टीप्लाई करना है जो आया 7% से डिस्काउंटिंग करना, 7% डिस्काउंटिंग। कब आया था ये, जनवरी 2021 में, 5 नंबर का। ये वाला रिप्लेसमेंट में ना जो बैंड बस्ती हमारी इतना ज्यादा रहता है, टर्मिनल वैल्यू में हालत खराब हो जाती है, ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना, उसके बाद ना बच्चे कैपिटल वेस्टिंग से हाथ जोड़ देते। जब इधर वाला एरिया आता है तो पता ही लगता है कि ये भी कुछ था करके, और ये तो समझ भी नहीं आ सकता कितना भी इधर पढ़ा नहीं है ना, तो ये है क्या चीज, ये समझ में नहीं आएगा। तो एक आध क्वेश्चन तो बनाने का बनता है। अब इतना होमवर्क लोगे तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले पैसा कितना जा रहा भाई, 3 लाख। रिस्क फ्री रेट कितना है, 7%। क्या सीएफएटी दिया हुआ है, यस। क्या सर्टेनिटी इक्विवेलेंट भी दे रखा है, यस। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रिस्क फ्री। और डिस्काउंटिंग किससे करना है, रिस्क फ्री से। एनपीवी निकालेंगे, इधर एनपीवी निकालें, इसी टेबल में सब आ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। कोशिश करते हैं, आ जाएगा। पर सबसे पहले लिखेंगे ईयर, 1, 2, 3, 4, 5। फिर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, मतलब सीएफएटी एक्सपेक्टेड है, 1 लाख, 1,50,000, 1,15,000, 1,50,000। क्योंकि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड यूज करना है, तो वैसे भी हमको इसको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि दिया रहेगा 0.9, 0.8, 0.6, 0.55, 0.50। तो ये जो आएगा कौन सा कैश फ्लो हो जाएगा, रिस्क फ्री कैश फ्लो। $90,000, 1,20,000, 69,000, 55,000, 25,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं रिस्क फ्री, 0.935, 0.876, 0.763, 0.713। प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा ये
41, लास्ट वाला 171825। टोटल कर लेते तो ये आ गया PVCI P0 में से माइनस कर देंगे PVCO 300,504 NPV। बताओ कोई क्वेश्चन था कि बस ये याद नहीं रहने वाले, बिना रिवीजन के कुछ याद नहीं रहने वाले। ठीक है, इवैल्यूएट बोला है तो लिख देना क्या एक्सेप्टेड पॉजिटिव एनपीवी करके। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ये टॉपिक खत्म करते हैं। हो गया, ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 67। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दिया है, सी दिया है और रिस्क फ्री रेट कितना दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 6%। हो जाएगा होमवर्क 67। यस, ये वाला क्वेश्चन है जो बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करना था, ये वाला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। नहीं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या सर? 68 भी है, 69 भी है। तो आप कहोगे कि सर 69 हमको होमवर्क दे दो। बिल्कुल सही, बस 69। तो एक काम करते 68 बना लेते, खत्म करते क्लास। चलो, तो लिखा हुआ है दो प्रोजेक्ट हैं एम और एन। एम में कितना पैसा लग रहा है? 8.5 लाख और इसमें कितना लग रहा है? 8,25,000। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच इज यूज्ड इन इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल वेस्टिंग द करेंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड समझते? बॉन्ड 007 कितना बड़ा? 6%। उसमें रिस्क होता है कि नहीं? बॉन्ड्स में नहीं होता। उसमें तो बहुत रिस्क होता है, 6%। और बोला दिस इज यूज्ड एज रिस्क फ्री रेट। वाओ, और आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा, इसका भी और इसका सीई भी दे रखा है और उसका 6% का फैक्टर भी दे रखा। आपको बताना कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सर हम बनाएं क्या 2 मिनट में? बिल्कुल, थैंक यू, बनाओ। सबसे पहले निकालोगे एनपीवी प्यार से दोनों प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम क्या, मुश्किल हमसे बनता नहीं है, जो हम बनाना ही चाहते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके पास बुक भी है, मतलब बुक से भी देख सकते हैं मेरा एक। अच्छा, नीचे बार बार देखना होता है।
वन जीरो आपको इन सब के चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने से रिवीजन बस कॉपी खोलना है बस 10980 10900 1711315 करीब करीब 2 से 3 क्लास और लगी कैपिटल स्ट्रक्चर, 2 क्लास और लगी थी एंट्री, 3 क्लास लगी है, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक समझे? अभी तो ये किया ही नहीं भाई पॉइंट नंबर टू, कॉपी बंद कैसे चले पॉइंट नंबर यार उसके लिए तो मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं क्यों लिख रहा है अगर हम आरएडीआर मेथड यूज करते, याद है आरएडीआर? आरएडीआर में क्या होता था, रिस्क ज्यादा होता था तो डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा यूज करते। तो बोले अगर हम आरएडीआर यूज करते तो बताओ किस प्रपोजल को में हम ज्यादा रेट लेते, एक्स में रिस्क ज्यादा है कि सॉरी एम में रिस्क ज्यादा है कि एन में रिस्क ज्यादा, और जिसमें रिस्क ज्यादा है उसमें आरएडीआर ज्यादा यूज करते। तो बस इतना पूछ रहा, वो ये नहीं बोल रहा कि आरएडीआर निकाल कर बताओ, बोल रहा बताओ किसमें हम आरएडीआर ज्यादा यूज करते, इसमें सी ज्यादा है उसमें रिस्क, इसमें सी सी इसको देख कैश फ्लो को नहीं देखना, सी को, जिसमें सी ज्यादा उसमें रिस्क ज्यादा क्योंकि सर्टेनिटी ज्यादा हुई ना यार सर्टेनिटी इसमें सर्टेनिटी ज्यादा है तो रिस्क कम है। हाँ ओहो, जिसमें सर्टेनिटी कम रिस्क ज्यादा, उसमें रिस्क ज्यादा तो उसमें डिस्काउंटिंग रेट भी ज्यादा, तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट एम में हम ज्यादा रिस्क आरएडीआर ज्यादा हायर रेट लेते। ठीक पॉइंट नंबर टू, प्रोजेक्ट एम डिस्काउंटेड एट
हायर आर एडियर ड्यू टू हायर रिस्क, बस इतना ही लिखा है, हम अपने लिए लिख देते इसमें क्या बोले थे टीई कम उसमें ज्यादा आर एडी आर ज्यादा बाकी होमवर्क कर लेना ठीक है। आज की क्लास ओवर कर रहा है, कल जो पढ़ेंगे वो डिसीजन ट्री, तो बड़े मुश्किल से अब दो से मैक्सिमम तीन क्लास बची हुई कैपिटल इन्वेस्टिंग के, तब अगले दिन टेस्ट या फिर आप बोलोगे तो एक दो दिन बाद टेस्ट जैसा आप बोलोगे।